तो पहले बता देता हूँ मैं इसे कैसे एक्टिवेट करना है। तो यहाँ देख सकते हो कस्टम टच सर्कल, यहाँ पे क्लिक करोगे सर आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, सर्कल, सनफ्लावर, फुल सर्कल, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। तो उस आप अपने मर्जी से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। तो देख सकते हो मतलब छोटा सा सर्कल आपको देखने को मिलेगा। ये पीवीपी करते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि छोटा सर्कल उतना अनोइंग नहीं होता, बड़ा सर्कल एकदम से धब्बा सा लगता है। तो मैं बताता हूँ इसे कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसके बाद जो लिंक है उस पर क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक करोगे इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। उसे सीधा आपको आ जाना है ZRGate में। ZRGate में आने के बाद जहाँ पे आपने इसको डाउनलोड किया है उसे ओपन करना है, और उसको मतलब इसको रीनेम करना है, और रीनेम पे उसको लिखना है आपको MCPacks। उसको जैसे ही आप यहाँ पे MCPacks लिखोगे, तो इस पर क्लिक करके फिर व्यू पे क्लिक करना है, फिर आप माइनक्राफ्ट को सेलेक्ट करके ऑलवेज पे क्लिक कर देना, फिर आपके गेम में सक्सेसफुली ये रिसोर्स पैक चले जाएगा। तो आज की वीडियो अच्छी